तो भाई असल कॉलेज जिन लोगों के लिए बना हुआ है, हम यहाँ पे जो है जख मारने के लिए आए हुए हैं। एक जो है वो बस के नीचे बैठा हुआ है, एक टांगे उठा के मस्त सो रहा है। जानी मुझे तो मसला नहीं है, रोड फुल टूटा हुआ है, आगे देख ले खड्डा है। अब मुझे मसला नहीं है, अगर मुझे तू बोलेगा मैं जाऊंगा, मुझे इश्यू नहीं है। बोल 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 बोल। सो गाइस अभी एक ही वीक हुआ है और मेरी बियर्ड का हाल चेक करो, मतलब इतनी बड़ी दाढ़ी हो रही है। सो जो भी साला टकला है और सॉरी जो भी भाई जिसको हेयर लॉस हो रहा है वो मुझसे कॉन्टेक्ट करे, आपका भाई जो है अपने गोल्डन बाल आपको देगा। सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस टाइम टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं, ठीक है। मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी के लिए। अब आप इस बात पे हैरान होंगे कि यूनिफॉर्म नहीं पहन के जा रहा, अब्बा जान किसकी यूनिवर्सिटी है। सो यार आज हमारी क्लासेस नहीं थी, एक ही क्लास थी। सो लड़कों ने बोला आज हम नहीं जाएंगे, तो हमारा कुछ काम है। मेरे साथ जो मिनी ब्लॉग्स में होता है हमारा बहुत ही अच्छा फ्रेंड उमैर, उसने कुछ वहाँ से होप सर्टिफिकेट वगैरह निकलवाना है, सो उसके काम के लिए हम जा रहे हैं। सो गाइस सबसे पहले पहुंचे हम अपने दोस्त के घर। गधे के बिल्कुल पीछे आ रहा है हमारा प्यारा दोस्त। दोस्त से मिलने के बाद हाल वाल वगैरह तबीयत छबीयत पूछने के बाद हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। सो देवी और सजनों आपको बताते चले, हम बिल्कुल पहुंच चुके अपने कॉलेज के नजदीक। सो जानी लोग आपको बताता चलो, हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने कॉलेज में और अब हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ बाइक को पार्क करने। सो गाइस जब हम क्लास में आए हमारी क्लास में एक भी बच्चा नहीं आया हुआ था। हमारी क्लासेस बिल्कुल इस तरह है, बाकी क्लासेस के लड़के आए, हमारी क्लास के लड़के आज नहीं आए। ये स्टूडेंट्स का हाल है, ठीक है, घर के कपड़ों में आ रहे हैं। आ तो रहे हैं यार। अरे कहना क्या चाहते हो? क्लासेस तो आज नहीं है, क्या बोलना चाहोगे यानी क्लासेस नहीं हो रही है यार, ठीक है नहीं हो रही है, मजे की बात है। मंडे से हूँ इंशाल्लाह, पढ़ने के लिए इतनी दूर से आ रहे हैं यार, खर्चा कर रहे हैं, क्लासेस नहीं हो रही है यहाँ पे। अरे झूठ बोल रहा है ये, झूठ बोल रहा है। सर ना रहो पीछे से, यानी बाइक पे आए, गाड़ी पे थोड़ी जाएंगे, उतने तक पैदल जाना है या बाइक पे जाना? बाइक पे जाए क्या, चलो ना। तो गाइस हमारे फ्रेंड का जो काम शाम था वो सारा निपटा के अब हम आ चुके हैं अपने यूनिवर्सिटी के न्यू ब्लॉक में, यहाँ पे देखने के लिए कि कितना काम हो चुका है और कितना रहता है। चला खैरियत। सो गाइस स्टूडेंट तो नहीं है बारह लिए बोलते हैं यहाँ पे, हैं जानी स्टूडेंट्स तो नहीं आ रहे लेकिन ये बोलते हैं, ये मस्त सोया वैसा है मैं। तो भाई असल कॉलेज जिन लोगों के लिए बना हुआ है, हम यहाँ पे जो है जख मारने के लिए आए हुए हैं। एक जो है वो बस के नीचे बैठा हुआ है, एक टांगे उठा के मस्त सो रहा है, मतलब। सो गाइस कॉलेज से निकलने के बाद मेरे दोस्त ने बोला चलो यार फोटोशूट वगैरह करते हैं, आगे बड़े लेवल लेवल की लोकेशंस हैं। तो अब ये अपने कॉमेंट में बताने कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब जिनको नहीं पता उनको मैं ये बताता चलूँ, ये है उस्मानिया रेस्टोरेंट की सेकेंड ब्रांच। तो जानी लोग अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम कहाँ आ चुके हैं। ये है कोयटा का DHA और अब हम इसे देखने हैं, क्योंकि ये एरिया जब कोयटा में फ्लड आया था ये एरिया बड़ा मुतासिर हुआ था। सब अंदर जाके देखते हैं कि अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ मौजूद हैं और ये कितना डेवलप हुआ है आफ्टर फ्लड। सो गाइस फाइनली आ चुके हैं DHA के अंदर, ठीक है। मतलब जब हमने कोयटा सिटी से DHA के अंदर एंटर किया ना, बाइक चलाने का मज़ा आ रहा है यार, मतलब इतने स्मूथ रोड मैंने पूरे कोयटा में नहीं देखे अब तक। सो गाइस एंटर होने के बाद थोड़े से ही डिस्टेंस पे हमें मिल गया मिनी जू, जिसके अंदर मुर्गियां, मुर्गे और शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच थे। और फिर हमने सोचा यार जो एरिया सैलाब से मुतासिर हुआ हुआ था अब आपको वो एरिया भी दिखाई देते हैं। तो जानी मुझे तो मसला नहीं है, रोड फुल टूटा हुआ है, आगे देख ले खड्डा है। अब मुझे मसला नहीं है, अगर मुझे तू बोलेगा मैं जाऊंगा, मुझे इशू नहीं है। बोल 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 बोल, ले जाऊं। तो गाइस यही है वो एरिया जो सैलाब के साथ लुढ़क गया था, आप लोगों ने भी सुना होगा बलूचिस्तान में जब फ्लड आया था। और फिर हमने सोचा यार इसी एरिया के पास एक बहुत क्लास की लोकेशन है जो है DHA का पार्क, उधर आपको ले जाते हैं। तो यार जो मैंने कोयटा के लिए आवाज उठाई थी खास तौर पे मर्दों के लिए कि ईद के दिन पे कोई पिकनिक प्लेस नहीं है, तो हम लोग जाके एयरपोर्ट रोड के राउंड अबाउट पे बैठ जाते हैं। तो फाइनली
उमर पार्क सिर्फ मर्द हजरात के लिए, ठीक है? डीएचए वालों ने सुन लिया आप सबकी, ये पार्क है, ठीक है? और ये झूले, जानी ये झूले मर्द के लिए लगाए हुए? ये पता है जानी, ये मर्द के लिए ही होंगे जानी, आ जो लेते हैं फिर, अगर मर्द के लिए आ जाओ जानी, बाहर लिखा हुआ है मर्द के लिए। ओहो जानी बर्फ, जानी जरा बर्फ, अच्छा रेत है। और फिर इसी के साथ हम निकल गए डीएचए से बाहर और अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। सो गाइस फाइनली आ चुके हैं हमारा ब्रेकफास्ट, हमारे पास ऑमलेट एग है, उसके अलावा हमारे पास पराठा है। सब इसको टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसा है। गरम है, मजे जाओ। सो गाइस अभी एक ही वीक हुआ है और मेरी बियर्ड का हाल चेक करो, मतलब इतनी बड़ी दाढ़ी हो रही है। सो जो भी साला टकला है, और सॉरी जो भी भाई जिसको हेयर लॉस हो रहा है वो मुझसे कांटेक्ट करे, आपका भाई जो है अपने गोल्डन बाल आपको देगा। ओके फ्री में जाए लगवाएं, ऐश करें, दुआओं में याद रखें, ठीक है? सो अब हम जा रहे हैं सलोन अपनी बियर्ड ट्रिम करवाने। सो गाइस जल्दी से बाइक स्टार्ट करते हैं और हम जाएंगे डोरेमोन के एनीवेयर डोर से। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं मेरी दुकान पे। अब आप देख सकते हैं मेरी लुक थोड़ी सी रफ लग रही है, बट अब जब फाइनल लुक निकलेगा फिर आपको दिखाते हैं। यार दाढ़ी तो बहुत ही अच्छी बनी है, ठीक है, और काफी मुझ पे सूट भी कर रही है। आप भी कमेंट में बताएं सूट कर रही है या नहीं। सो गाइस होपफुली आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को यार जल्दी से अपने भाई के 1K करवा दो, मतलब आपका एक सब्सक्राइब प्रेस करने से आपके भाई को बहुत मोटिवेशन मिलती है। बेल आइकन प्रेस कर दो, सब्सक्राइब कर दो, हम आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।